के हेडलाइंस पर। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी हुई पूरी। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को किया गया बूथों के लिए रवाना। 18,64,640 मतदान, 16 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैद। अलग अलग 40 कंपनी के जवान संभालेंगे सुरक्षा के कमान। नक्सल प्रभावित इलाकों में रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। विद्यालय के 2 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र और सद साहित्य देकर किया गया सम्मानित। उज्जवल भविष्य का किया गया कामना। धनवार थाना के पर्शन ओपी के कई इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया छापेमारी। पुलिस ने 7.5 क्विंटल जावा महुआ और 207 लीटर महुआ शराब को किया जब्त। भट्टी को किया गया नष्ट। धंधेबाज मौके से हुए फरार। और गलत दवा खाकर बीमार हुए किशोरी के इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में हुई मौत। बुखार की जगह अन्य दवा का कर ली थी सेवन। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। अब खबरें विस्तार से। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने 25 मई को होने वाले छठे चरण की मतदान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी बूथों पर मतदान के दौरान वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि हर गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही कई दिशा निर्देश दिए गए। शनिवार 25 मई को होने वाले छठे चरण के मतदान को लेकर गिरिडीह प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने वोटिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसी ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह और डुमरी के 740 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है, जिनमें गिरिडीह विस क्षेत्र में 367 एवं डुमरी विस क्षेत्र में 373 बूथ है। बता दें कि डुमरी के इन बूथों में 199 बूथ गिरिडीह जिले में, जबकि शेष बूथ बोकारो के नावाडी एवं चंदन कियारी में पड़ते हैं। उपायुक्त ने यह भी बताया कि इन सभी बूथों पर मतदान के दौरान वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि बूथों पर हो रही हर गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। डीसी ने यह भी बताया कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में गिरिडीह जिले के 6,12,529 मतदाता हैं, जिनमें 3,01,348 पुरुष एवं 3,11,191 महिला तथा 5 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा कटिबद्ध है। पीरटाट समेत संवेदनशील बूथों पर पुलिस जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 40 कंपनी सशस्त्र बल चुनाव के लिए ले गए हैं। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा को लेकर पीरटाट समेत संवेदनशील बूथों पर पुलिस जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई। पीरटाट आदि नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की विशेष चौकसी बरती जा रही है। इन इलाकों में एसपी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था को इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा कटिबद्ध है। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और महिलाएं ना बिगड़े, इसको लेकर बड़े पैमाने पर अलग अलग कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। एसपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 40 कंपनी सशस्त्र बल चुनाव के लिए लगाए गए हैं। जिम 30 कंपनी सीआरपीएफ की है। पूरे व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सुपर जोन, जोन और सेक्टर में इलाके को बांटा गया है। गिरिडीह और डुमरी को 2 सुपर जोन में बांटा गया है। लोकसभा निर्वाचन को लेकर गिरिडीह और डुमरी विधानसभा के निमित्त गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टी को अपने कर्तव्य पथ की ओर रवाना किया। साथ ही उन्होंने सभी डिस्पैच सेंटर
महज लुंडी का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी को जिम्मेवारी सौंपी गई तथा चुनावी कार्यों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालित कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने दायित्वों का निष्पादन सौ समय सुनिश्चित करना है, साथ ही आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने मास्टर ट्रेनर को उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को मतदान दिवस के सफल क्रियान्वयन को लेकर शुभकामनाएं दी। धरवाड़ थाना अंतर्गत परिषद ओबी क्षेत्र में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ विभिन्न स्थानों में छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 7.5 क्विंटल जावा महुआ और 260 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान धंधेबाज मौके से फरार हो गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला के धनवार थाना अंतर्गत परिषद ओपी क्षेत्र में अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब और जावा महुआ जब्त किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने 7.5 क्विंटल जावा महुआ और 260 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है, जबकि कार्रवाई के दौरान महुआ शराब बनाने की भट्टी समेत अन्य उपकरण को नष्ट किया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान धंधेबाज मौके पर से फरार होने में कामयाब हो गए। बताया गया कि इस मामले में धंधे में संलिप्त 3 लोगों के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटीशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, ओटी प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनो प्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है, तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 06532356150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियाँ, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर ₹5000 का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4th बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर अफताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901, 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश के 6वें राज्य के तीसरे चरण की 4 लोकसभा सीटों के लिए कल यानी कि 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चारों सीटों के लिए मतदान होगा। यह मतदान गिरिडीह, धनबाद, रांची व जमशेदपुर में होगा। इस चरण में कुल 82,16,506 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। होटी बाजार स्थित नगर भवन समेत अन्य मतदान केंद्रों में शुक्रवार को मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट लेकर पहुंच गए। शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण और झारखंड में 3रे चरण में गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और रांची लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। गिरिडीह और डुमरी विधानसभा सीट अंतर्गत गिरिडीह जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव संपन्न होगा। सभी बूथों पर मतदान कर्मी के साथ साथ पुलिस बल भी पहुंच चुकी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। 25 मई को होने वाले गिरिडीह लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान के लिए मतदान कर्मियों को अलग अलग वाहनों से ईवीएम सहित अन्य सामग्रियों के साथ बूथों और क्लस्टरों पर रवाना किया गया। गिरिडीह लोकसभा चुनाव कल यानी 25 मई को होना है। चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान के लिए मतदान कर्मियों को उनके बूथ और क्लस्टर पर रवाना किया गया। महसलुंडी स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को आवश्यक सामग्रियों के साथ रवाना किया गया। अलग अलग वाहनों से ईवीएम सहित अन्य सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को उनके बूथों के लिए रवाना किया गया। बरगंडा स्थित निकुंज अपार्टमेंट और आसपास के घरों में जाकर स्वीप एक्टिविटी के तहत मतदान का आमंत्रण पत्र प्रशासन की ओर से वितरण किया गया। इसके साथ ही मतदान तिथि के दिन लोगों को बूथ पर जाकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा। स्वीप एक्टिविटी के तहत बरगंडा स्थित निकुंज अपार्टमेंट और आसपास में घर घर जाकर मतदान का आमंत्रण पत्र प्रशासन की ओर से वितरण किया गया। जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मतदान तिथि के दिन लोगों को बूथ पर जाकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है आमंत्रण पत्र। निर्वाचन में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय प्रयास किया गया। विगत 3 जून 2018 को विजय रवानी की पत्नी बेबी देवी की मौत कुएं में डूबकर हो गई थी, जिसके बाद मृतिका के मायके वालों ने ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाकर केस दर्ज किया था, जिसकी आज सुनवाई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश SN सिकदर की अदालत ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त विजय रवानी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश SN सिकदर की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी विजय रवानी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। इस फैसले की सुनवाई के दौरान काफी संख्या में आरोपी के परिजन अदालत कक्ष के बाहर उपस्थित थे, जिन्होंने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर किया। इस मामले में देवघर जिला के मार्गोडी गांव के रहने वाले कामदेव रवानी ने 3 जून 2018 को ताराताड़ थाना में अपनी बेटी के ससुराल वालों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था। कामदेव रवानी के आवेदन पर ताराताड़ थाना में कांड दर्ज किया गया, जिसमें सूचक का यह आरोप था कि उसकी बेटी बेबी देवी को उसके पति, ससुर, ननद, देवर तथा गोतनी मिलकर
मारपीट करते थे। 3 जून 2018 को उसकी बेटी 1 बजे फोन पर उसे सूचना दी थी कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर सूचक बेटी का ससुराल जा रहे थे, तभी उसके दामाद विजय रवानी ने फोन कर उन्हें बताया कि बेबी कुआं में डूब कर मर गई है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने बेबी देवी के पति के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 साक्ष्यों का गवाह कराया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रवि चौधरी ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महिप मयंक और सोहम सरकार ने बहस की। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि इस मामले में बेबी देवी को किसी ने मारते हुए नहीं देखा है, केवल संदेह के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान मयंक ने कई तकनीकी सवाल उठाए और कहा कि सीधे तौर पर यह मामला दुर्घटना से मौत की ओर इंगित करता है। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता महिप मयंक ने कहा कि यह न्याय की जीत है। 2 हफ्ते में 6 हत्या आरोपियों को आप रिहा कराए हैं, आपको क्या कहना है इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करेंगे कि लोगों का थोड़ा एक प्रिजम्पशन रहता है कि किसी पे आरोप लग गया इसका मतलब उसने कुछ किया ही होगा। बहुत सारे केसेस गलत किए जाते हैं या फिर थोड़ा सा बात को ऐसा घुमा दिया जाता है कि लगे कि बहुत सीरियस मैटर है। और तीनों केसेस थे, तीनों कंटेस्टेड थे, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तीनों में वो लोग निर्दोष थे और उनको गलत फंसाया गया था। तो तीनों को रिहा करा के अच्छा तो बहुत लग रहा है, उनके परिवार के द्वारा बहुत आशीर्वाद भी दिया गया। कौन सा कोर्ट में तमाम आरोपियों का मामला चल रहे थे? सब अलग अलग कोर्ट में चल रहे थे या फिर एक ही कोर्ट में चल रहे थे? तीनों अलग अलग न्यायालयों में चल रहे थे। सबसे पहला जो डिस्पोज ऑफ हुआ था वो था स्टेट वर्सेस प्रदीप पांडे, तो उसका एसटी नंबर 73 था, 73/2021। ये वीना मिश्रा जी जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इससे पूर्व में थी उनके यहाँ चल रहा था। और उसी तरह दूसरा केस जो स्टेट वर्सेस श्यामदेव मंडल एसटी नंबर 165/23, ये दोनों वीना मिश्रा मैडम के यहाँ चल रहे थे और अभी उनका ट्रांसफर हो गया। जो नए जज हैं मनोज प्रसाद जी उनके यहाँ चल रहा था, डिस्पोजल फाइनली वहाँ हुआ। जो तीसरा मामला था विजय रवानी का, वो सिकदर साहब हम लोग के यहाँ डीजे 3 उनके यहाँ चल रहा था। अब वक्त हो चला है थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदाने का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहाँ आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान
साज सजावट श्रृंगार व सजने के शौकीन माताओं बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी चाट गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगन चुंबी तारामांझी के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मिलेगा भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में मेन रोड भंडारीडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर लिफ्ट स्ट्रेचर एम्बुलेंस स्वच्छ शौचालय एसी वार्ड व केबिन मेडिकल दवाखाना हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों नवजात शिशु महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्रिक की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो पचम्बा गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खातियानी संघर्ष मोर्चा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो शुक्रवार को गिरिडीह कोर्ट पहुंचे और अधिवक्ताओं से मुलाकात की। चुनाव से एक दिन पहले इन्होंने वकीलों से मुलाकात कर आशीर्वाद मांगा। इस दौरान जयराम महतो को देखकर वकीलों का भी पूरा स्नेह मिला। वकील उनका माथा चूमकर उन्हें समर्थन देने का वादा करते हुए दिखे। साथ ही कई अधिवक्ताओं ने जयराम को गले लगाकर समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका किसी भी प्रत्याशी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वे जनता के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं और जनता ही उन्हें जिताएगी। कहा कि उन्हें पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, अभी आप अपने आप को कहां आंक रहे हैं? हम तो अपने आप को जीत की स्थिति में आंक रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों से बेहतर आंक रहे हैं। और जो हम लोग का समर्पण और संघर्ष रहा, डुमरी की भीड़ आप सभी ने देखा होगा, हमें लगता है आज के डेट में झारखंड के किसी भी प्रत्याशी के फेवर में इतनी भीड़ नहीं आई थी। पहली बार लोगों को एनएच के डिवाइडर में खड़ा होकर भाषण सुनना पड़ा, ग्राउंड में जगह नहीं था। आपके जो विपक्ष में है वो धन बल और तंत्र बल के मामले में बहुत ही मजबूत। देखिए, उनको हम समझा दिए हैं। किस पे भरोसा है? हमें अपनी जनता पर भरोसा है और सबसे महत्वपूर्ण हमें अपनी आइडियोलॉजी पर विचारधारा पर भरोसा है। इस बार झारखंड में एक नई विचारधारा की जीत होगी और उन लोगों को लोग खारिज करेंगे जो लोग केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। एक सवाल है, आप लगातार कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं किए, जो रहेगा सदन में भी उस बात को उठाएंगे। क्यों, आखिर क्या वजह? वजह यह है कि आप जमीन मारपीट के लिए हैं। कोई भी किसान खुशी खुशी जमीन तभी देता है जब उसका जो विस्थापन ठीक से हो। आप विस्थापन ठीक से कीजिए, जमीन के बदले कहीं जमीन दे। देखिए, आप भी जानते हैं, चाहे पत्रकार रहे, चाहे वकील रहे, चाहे टीचर रहे, वह जिंदा है अपने, वो अगर कुछ कर रहा है तो संपत्ति के लिए। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति ना धन दौलत होता है, ना पैसा होता है, ना हीरा मोती होता है। सबसे बड़ी संपत्ति उसका जमीन का टुकड़ा होता है। और आप जमीन के टुकड़े को लाठी के लठेत के दम पर ले लीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा और उसको लाभ ही नहीं मिलेगा, तो आवाज़ तो उठेगी मेरी।
जीत के बाद क्या ये मान के चला जाए कि जयराम जी का सपोर्ट अगर निर्दलीय जीत के जा रहे हैं, हम निर्दलीय रहेंगे और जो झारखंड के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। पिछले एक दशक से लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद में गिरिडीह को अपेक्षित किया गया, गिरिडीह के जनता के बीच में लोग नहीं पहुंच रहा है, चाहे जो भी सांसद बने हैं, जयराम का क्या है? देखिए हमारा वो हमने 1-to-1 छह विधानसभा है, तो छह विधानसभा की भौगोलिक स्थिति अलग है, छह विधानसभा की आर्थिक स्थिति अलग है, तो छह विधानसभाओं की स्थिति के अनुसार हम अपना कार्य करेंगे और अपने फंड का उपयोग करेंगे। शुक्रवार को गांडी स्थित माँ कामाख्या डायग्नोस्टिक में नया सवेरा विकास केंद्र के तत्वाधान में दिव्यांगों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25 मरीजों की जांच व परामर्श के बाद स्वास्थ्य किट का वितरण किया गया। नया सवेरा विकास केंद्र के तत्वाधान में गांडे स्थित मां कामाख्या डायग्नोस्टिक में शुक्रवार को दिव्यांगों के लिए एक कैंप लगाया गया। यहां जन्मजात कटे होठ व तालु से संबंधित रोग के इलाज के लिए निशुल्क जांच सह परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर IQCT हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर की टीम ने ऑपरेशन स्माइल के तहत कटे होठ तालु वाले बच्चों की जाँच कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की दिशा में कार्य किया। बताया गया कि यहां करीब 25 मरीजों की जांच व परामर्श के बाद स्वास्थ्य किट का वितरण किया गया। शिविर में IQCT हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर के चंद्रकांत दत्ता, तन्मय मंडल, नया सवेरा विकास केंद्र के राम स्वरूप, माँ कामाख्या डायग्नोस्टिक के संचालक डॉक्टर शंभु प्रसाद वर्मा, ANM डोली कुमारी, नाजिर खान आदि उपस्थित थे। निमेघाट निवासी सुखदेव साव की पत्नी रूपा देवी का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतिका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। निमियाघाट निवासी सुखदेव साव की पत्नी रूपा देवी की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गयी। शुक्रवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि इसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहां मृतिका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से एक महीना पहले ही हुई थी। इसके बाद इन लोगों के बीच दहेज कम देने को लेकर लड़ाई झगड़ा होता आ रहा था। बताया गया कि लड़की वालों ने 3 लाख रुपया दहेज दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिस्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर मोती ज्वेलर्स के सामने कोर्ट रोड टावर चौक के निकट गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक,
तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल बड़ा चौक गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। ब्रेकिंग बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें प्रशस्ति पत्र और शाह साहित्य देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन कर विद्यालय के दो विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। बताया गया कि विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें किशोर वर्ग में ओजोन परत के क्षय का दुष्परिणाम विषयक निबंध के लिए विद्यालय के भैया रवि कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं तरुण वर्ग में शिवाजी महाराज के राज्यारोहण का सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव विषयक निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय की परिकुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री आनंद कमल ने प्रतियोगिता के विजेता भैया बहन को प्रशस्ति पत्र और सद साहित्य देकर सम्मानित किया। मौके पर विद्यालय परिवार ने उन होनहार भैया बहन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस सम्मान समारोह को सफल बनाने में अजित मिश्रा, सरिता कुमारी, राजेंद्र लाल बर्नवाल एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। यहाँ वंदना स्थल पर आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करवाया गया। ये भैया बहन पिछले वर्ष अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश के भैया बहनों ने भारत में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था और इन्होंने अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विषय था ओजोन परत के क्षय के दुष्परिणाम 1000 शब्दों में। विषय था शिवाजी के राज्यारोहण के सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव 1000 शब्दों में। इन्होंने भी पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खरियोड़ी निवासी नारायण पासवान की पुत्री पूजा कुमारी ने बुखार की दवा की जगह घर में रखी किसी अन्य दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गलत दवा खाकर बीमार हुई किशोरी की मौत गुरुवार रात इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। बताया गया कि पचम्बा के खरियोड़ी निवासी नारायण पासवान की पुत्री पूजा कुमारी घर में बीमार थी। इस दौरान इसने बुखार की दवा की जगह घर में रखा किसी अन्य दवा का सेवन कर लिया, जिससे इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तुरंत ही इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। हालांकि इसने कौन सी दवा का सेवन किया था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। टैबलेट क्या टैबलेट बुखार के बहुत कितना दिक्कत और खा लिया पते नहीं कब खाया था 12 बजे अभी क्या बोला डॉक्टर कुछ और बोल पर डॉक्टर को कुछ नहीं खाली पानी सलाइन करे करो अरे पानी सलाइन करे कितना उम्र है इसका 13 साल पिताजी क्या नाम है पिताजी विकलांग है क्या नाम है उसका नारायण पासवान नारायण पासी पासवान। महिला पतंजलि योग समिति के एक
आवश्यक बैठक जिला प्रभारी श्रेया घोषाल की आवाज में संपन्न हुआ। इस दौरान महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ी महिलाओं को उनके दायित्व और प्रभार सौंपे गए और उनका स्वागत करते हुए बेहतर कार्य करने का उम्मीद जताया। महिला पतंजलि योग समिति गिरिडीह की एक आवश्यक बैठक शुक्रवार को बरगंडा स्थित जिला प्रभारी श्रेया घोषाल के आवास पर सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रभारी सुधा झा के द्वारा किया गया। बैठक के दौरान महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ी महिलाओं को दायित्व और प्रभार सौंपा गया। अनु वर्मा को BST की महामंत्री और रश्मि गुप्ता को कोषाध्यक्ष, रूपम श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्रभारी, मधु कुमारी को संगठन मंत्री, समता देवी को गिरिडीह प्रखंड प्रभारी, जया सिन्हा को समाज प्रभारी, झुमकी दत्ता को गिरिडीह महामंत्री का पद दिया गया। इस मौके पर श्रेया घोषाल ने सभी नए पदाधिकारी को महिला समिति में स्वागत करते हुए बेहतर कार्य करने का उम्मीद जताई। इस मौके पर अन्य बिंदुओं पर कई चर्चा की गई। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।